बोल श्री प्राणनाथ प्यारे बोल श्री सतगुरु महाराज साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात मूल स्वरूप उनके हसत है ओ खेल में है अपनी जात ओ खेल में है अपनी जात तब ए चित में ग्रह लई इशारत उन बखत राम जी सुंदर जी प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर शाह जी कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह से श्री देवचंद्र जी के तन को माध्यम बनाकर राजी गांगजी भाई जी के घर में अनेक प्रकार की आड़ी का लीलाएँ करते हैं धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से सुंदर सात की जागनी की शुरुआत होती है और जो आड़ी का लीलाएं हो रही थी उसकी खबर अजबाई के माध्यम से होकर मिहिर जी के घर में पहुंचती है और किस तरह से मिहिर जी के अंदर भी श्री देवचंद्र जी के द्वारा हो रही आड़ी का लीला को देखने की और देवचंद्र जी के दर्शन की उत्कंठा अथवा इच्छा उत्पन्न होती है और कैसे जिद करके बारह वर्ष दो महीना और दस दिन की अवस्था में सदगुरु के चरणों में पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद किस तरह से श्री देवचंद्र जी समय समय पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते रहते हैं उन्हीं में से एक घटना यह थी कि सकुंडल और सकुमार को ढूंढना है परमधाम में उनके परात्म मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं इसका तात्पर्य वह किसी बड़े घराने में अथवा राज घराने में आई है और साथ में अब यह भी संकेत दे रहे हैं कि तब एक चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत देवचंद्र जी ने एक इशारा दिया था उस समय जिसको मिहिर राज जी ने हृदय में धारण किया था और वह क्या था और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी में तित कि कुरान पक्ष में भी हमारी ही बातें हैं इस बात को बीज रूप से मिहिर राज्य के अंदर देवचंद्र जी ने ही डाल दिया था और इसमें दो मुख्य बातें थी एक तो खोजीबाई नामक मुस्लिम महिला को श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान दिया था वो सुंदर साथ बनी थी और साथ ही साथ देवचंद्र जी जिस समय अध्यात्म की खोज कर रहे थे उस समय भी वह मुल्ला के पास जाकर के कुछ दिनों तक उन्होंने सोहबत की थी संगत की थी और कुरान पढ़ने की इच्छा तो की थी पर जाहरी शरीयती मुस्लिमों के कट्टर शरीयत के कारण पढ़ नहीं पाए थे तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर भी कोई कोई हमारी वासना है कोई कोई ब्रह्म सृष्टि है और हमने इनके कुरान को पढ़ने की इच्छा बहुत की पर पर जाहरी लोग जो हमको न देवे लेवन इन जाहरी लोगों ने हमें उसे लेने नहीं दिया पढ़ने नहीं दिया पर तुम्हारे आगे में ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भविष्य में जब भी तुम तुम्हारे तन को माध्यम बनाकर जागने के लिए होगी उस समय तुम्हारे द्वारा कुरान के भेद खुलने हैं रहस्य खुलने हैं और बहुत से ब्रह्मात्माएं जो मुस्लिम तनों में बैठी होंगी उनकी भी जागनी होनी है इस तरह की बहुत सारी इशारतें समय समय पर देवचंद्र जी देते ही रहते हैं इस तरह नित्य प्रति दोनों भाई मिलकर के चर्चा सुनने जाते हैं जाते साथ में हैं, आते भी साथ में हैं और उन दोनों में पहली बात तो यह है कि लौकिक भाव का एक संबंध था उससे प्रेम स्वाभाविक ही था पर जैसे ही उन्हें स्वयं की आध्यात्मिक पहचान अथवा आत्मिक पहचान हुई तो दो नाते की वजह से उनमें प्रगाढ़ प्रेम हो गया पहले तो एक स्नेह था लगाव था भाई भाई के नाम का कहीं ना कहीं मुहात्मक संबंध था रक्त का संबंध पर अब आत्मा का संबंध जुड़ गया है तो क्या कह रहे हैं दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात यहां के संबंध से नहीं अपितु मूल निस्बत से परमधाम के संबंध से दोनों प्रेम में मिलकर रहते हैं घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ गांगजी भाई के घर भी दोनों मिलके जाते हैं वहां से वापस भी दोनों मिलकर जाते हैं बाध्यो चित्त हेत सो दो नाते की बात दोनों में अब दोनों का हृदय एक आपस में बहुत ही बधा हुआ है क्योंकि दो नाते की बात है यहाँ पर केवल लौकिक नाता नहीं हमारे यहाँ सुंदर साथ से एक कमी हो जाती है एक गलती क्या होती है कि जैसे घर के बाहर अथवा लौकिक परिवार के बाहर जो सुंदर साथ होते हैं बहुत हद तक उन सुंदर साथ के आने पर प्रेम पूर्वक व्यवहार तो करते हैं अब तो वाणी पढ़ करके चर्चा सुन सुन करके के हमें इतनी पहचान हो गई कि सुंदर साथ की सेवा कैसे करनी है क्यों करनी है, इतनी पहचान हो गई है पर कमी कहाँ हो जाती है कि कुछ सुंदर साथ को तो हम आत्मिक भाव है ऐसा कहकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं पर यही सुंदर साथ का भाव हमारे अपने लौकिक परिवार के सदस्यों के प्रति हम नहीं दिखा पाते हैं जबकि वे भी तो सुंदर साथ हैं उसी परिवार के अंदर भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो सकती है पर जितना सम्मान हम सुंदर साथ का करते हैं जितना प्रेम हम सुंदर साथ के साथ करते हैं वैसा प्रेम परिवार के अन्य सदस्य जो कि सुंदर साथ ही उनके साथ नहीं करते मैं ये नहीं कह रहा कि केवल लौकिक संबंध को देख कर के आप स्नेह निभाइए पर मैं केवल ये कहने का ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आध्यात्मिकता है वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है यदि हम सभी के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है ऐसा भाव लेकर के चलेंगे तो आपके घर में भी सुख शांति होगी घर में भी आप एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे दो नाते की बात वाला व्यवहार करेंगे तो घर में जो सुंदर साथ हैं उनके प्रति भी आत्मिक दृष्टि से देख करके उनसे प्रेम करें और लौकिक परिवार के बाहर भी जो सुंदर साथ हैं उनके साथ भी आत्मिक संबंध है ऐसा कह करके वहदत की दृष्टि से प्रेम व्यक्त करने का अथवा प्रेम निभाने का हम प्रयास करें इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्मिक उन्नति तो होगी ही साथ ही साथ पारिवारिक शांति भी बनी रहेगी अब इस तरह चर्चा सुनने के क्रम में एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाई चर्चा सुनकर गांगजी भाई जी के घर से वापस आ रहे थे बड़े भाई सांवलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे स्नान करते करते उन्होंने दोनों भाइयों को आते हुए देखा और कहा डांटने लग गए कि तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो घर के काम काज से अनभिज्ञ हो अनजान हो क्या काम बिगड़ रहा है कुछ इधर उधर हो रहा है कोई लेना देना ही नहीं है दिन भर गांगजी भाई के घर में पड़े रहते हो मैं पिताजी से कहकर गांगजी भाई और देवचंद्र जी दोनों को शहर से बाहर निकलवा दूंगा अब दुनिया के शास्त्र क्या कहते हैं एक संसारी गुरु के विषय में भी कि गुरु यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्ण तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम व तथ कि यदि आपके गुरु की भी निंदा हो रही है कहीं पर तो यदि हो सकता है तो उस निंदक का विरोध कीजिए अन्यथा कान बंद कर लीजिए और वहाँ से चले जाइए लेकिन गुरु की निंदा मत सुनिए इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि जिससे आपको कुछ सीखना है उसकी निंदा आपने सुन ली आपके मन मस्तिष्क पर गुरु की नकारात्मक छवि बैठ गई तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान सीखने से बाधित हो जाओगे क्योंकि आप सीखने के लिए बैठोगे मान लीजिए स्कूल का टीचर भी है आप क्लास में बैठे हो उस गुरु की कोई नकारात्मक बात आपके दिमाग में है तो वो कोई अच्छी बात भी सिखाएगा तो हम मनी मन क्या कहेंगे कि खुद तो वैसा है और हमें सिखाता है अब वो जैसा है वो तो है ही उसको जो बनना था वह बन गया है पर हमें जो वह बनाना चाहते हैं वैसा हम नहीं बन पाएंगे और हमारी उन्नति वहीं रुक जाएगी तो ये तो एक संसारी गुरु के संदर्भ में तो सोचे कि ये तो सतगुरु की निंदा कर रहे हैं दोनों क्रोधित हो जाते हैं जोश में आ जाते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं तो जैसे तैसे बच करके वो माता के पीछे छिप जाते हैं माता बीच बचाव करती हैं रात्रि के समय में जब पिताजी घर पर आए केशव ठाकुर जी जब घर पर आए तो माता जी ने कहा कि आप दिन भर राज्य के झगड़े तो सुलझाते रहते हैं आज घर का झगड़ा सुलझाइए पिताजी ने पूछा क्या बात है तो माता जी ने सारा विवरण बताया कि आज आपके दो बेटों ने मिलकर के अपने बड़े बेटे को मारने की कोशिश की है कारण पता किया केशव ठाकुर जी ने तो उन्हें पता चला कि अच्छा एक ऐसा कारण है कि ये लोग गांगजी भाई के घर में जाते हैं कथा सुनने के लिए और सांवल्य ठाकुर ने मना किया बड़े बेटे ने अब चूंकि वह राजनीतिज्ञ है उन्होंने राजनेताओं की तरह एक बीच का रास्ता निकालने का सोचा कि दोनों बेटों को दोनों पक्ष को बुरा ना लगे अब सांवले ठाकुर ये चाहते हैं कि गांगजी भाई के घर में देवचंद्र जी की चर्चा सुनने ना जाए और दो बेटे चाहते हैं कि हमें चर्चा सुननी है तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे उन्होंने कहा कि आप लोग कांजी भट्ट के पास कथा सुनने के लिए चले जाइए वो तो आपके जो गुरु हैं उनके भी गुरु हैं आपके गुरु ने भी उनके यहाँ कथा सुनी है तो दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं यदि हमारे प्रश्नों का जवाब कांजी भट्ट जी दे देते हैं तो हम उनके यहाँ कथा सुनने जाएंगे हमें कोई समस्या नहीं है पिताजी सोच रहे हैं कि अभी के बच्चे कांजी भट्ट तो इनके गुरु के भी गुरु हैं तो इनके प्रश्नों का उत्तर देना भट्ट जी के लिए कौन सी बड़ी बात होगी अगले दिन लेके गए भट्ट जी के पास जाके कहते हैं कि पंडित जी मेरे ये बच्चे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे भट्ट जी ने कहा पूछिए जो भी पूछना हो तो दोनों भाइयों ने कहा कि भट्ट जी आप ये बताइए कि गुण कितने हैं तत्व कितने हैं लोक कितने हैं और प्रलय कितने हैं भट्ट जी ने कहा तीन गुण ते चौथों गुण नहीं पांच ते छठो न तत्व तीन गुण है सत्व रज और तमोगुण पांच तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश कोई छठा तत्व नहीं है चौथा गुण नहीं है चौदह लोक से पंद्रहवा लोक नहीं है चौदह लोक पौराणिक मान्यता के अनुसार हमें पता है कि चौदह लोक कौन कौन से हैं भूलोक लोक स्वर्गलोक लोक जन लोक तपलोक सतलोक ये ऊपर के लोक माने जाते हैं भूलोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है और नीचे के जो सात लोक माने जाते हैं अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल और पातल तो ये चौदह लोक हो गए और चार प्रकार के प्रलय हैं नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय अब भाइयों ने कहा कि आप कह रहे हैं चौथा गुण नहीं है छठा तत्व नहीं है पंद्रहवा कोई लोक नहीं है तो ये बताइए कि महाप्रलय की अवस्था में ईश्वर कहाँ रहता है परमात्मा कहाँ रहता है भट्ट जी ने कहा कि वह तो अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके एक अक्षय वट जो कि क्षीर सागर में विद्यमान है उस पर विराजमान रहता है दोनों भाइयों ने कहा कि आप बताइए कि जब चौदह लोक के ब्रह्मांड का नाश हो जाता है तो क्षीर सागर पाताल के अंदर बताया गया है जब पाताल ही नहीं रहता तो क्षीर सागर कहां पर रहता है और परमात्मा कहाँ है कहते हैं तब भट्ट की सुधबुद गई कही ए जवाब ब्रह्मा से ना हो अब भट्ट जी की सुध चली गई कि ये बारह तेरह वर्ष के बच्चे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि इनके प्रश्नों का जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है अब पिताजी ने कहा कि जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भले ही ये इनके शिष्य के भी शिष्य हैं पर किन ही कारणों से क्योंकि कारण का तो उन्हें पता नहीं है पर इतना पता चला कि किन ही कारणों से गुरु गुड़ ही रह गए अब या भांत नौतनपुरी में दो भाई से चर्चा कई ठोर सो बीतक कहा लो कहूं भयो प्रेम दो में जोर दोनों में प्रेम बहुत है दोनों नाते की वजह से वैसे तो दोगुना प्रेम कह सकते हैं पर दोगुना प्रेम कहना भी कही न कहीं ना कहीं बेईमानी होगी क्योंकि आत्मा का जो प्रेम है उसको तो यहाँ के प्रेम के साथ में गुणा किया ही नहीं जा सकता वह तो अनंत गुणा प्रेम है तो उस प्रेम भाव में रहते रहते मिहरराज जी बारह वर्ष दो महीना दस दिन के थे जब देवचंद्र जी के पास पहुँचे थे दोनों को एक दूसरे के आत्म स्वरूप की पहचान हुई थी अब चौबीस वर्ष दस महीना और पाँच दिन लगभग तेरह वर्ष हुए हैं तो इतने समय तक दोनों भाई साथ में रहते हैं और उसके बाद तेरह वर्ष तक साथ साथ में आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़ने के बाद किन्हीं कारणों से गोवर्धन जी का धामगमन हो जाता है उनका तन छूट जाता है अब क्या कह रहे हैं तेरह वर्ष माया ने था ऊपर लौकिक बोझ ये प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है हम जैसे सुंदर सात के लिए सभी सुंदर सात के लिए मिहिर राज्य के विषय में कह रहे हैं कि उनके ऊपर तेरह वर्ष तक लौकिक बोझ था यानी कहीं ना कहीं माया में थे तेरह वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ और इसका कारण क्या बता रहे हैं कि इतने समय तक मिहिर राज्य का प्रेम एक निष्ठ राज्य की तरफ नहीं हो पाया है कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई गोवर्धन जी के प्रति लगाव है अब सोचिए कि मिहिर राज्य के मन में राज्य के प्रति जो प्रेम है वैसा प्रेम तो भाई के साथ नहीं है भले ही प्रेम है पर राज्य के जैसा तो नहीं है लेकिन केवल एकनिष्ठ प्रेम न होने के कारण मिहिर राज्य के लिए इन इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि तेरह वर्ष माया मिने हमने तो राज्य से पहले मिहिर राज्य ने राज्य को पहले स्थान पर रखा पर हमने राज्य से पहले कम से कम दर्जन भर प्रायोरिटीज रखी है। हमारी हैं हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी है राज्य हमारे लिए दसवें बारहवें नंबर पर आते हैं कहीं ना कहीं अंतिम नंबर पर आते हैं जहाँ बात समझौते की हो तो हम राज्य से समझौता कर लेते हैं राज्य के प्रेम से समझौता कर लेते हैं प्रेम सेवा चितवनी इन सब से समझौता कर लेते हैं पर दुनिया वालों से नहीं करते कि ये नाराज ना हो जाए फलाने नाराज ना हो जाए तो सोचिए कि हमारा प्रेम कौन से स्थान पर आता है मिहर राज्यी ने तो पूर अपना पहला स्थान अपने हृदय में राज्य को दिया था केवल सुंदर साथ के भाव से प्रेम करते थे अपने भाई को पर फिर भी ऐसा कहा गया तो हमारे लिए हमारी स्वयं की अवस्था कैसी है हम तुलना कर सकते हैं और यदि सुधार की आवश्यकता लग रही है तो स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं कैसे कि राज्य को प्राथमिकता दें राज्य को पहले स्थान पर रखें और बाकी सारी बातें बाकी सारे संबंध रिश्ते नाते व्यवसाय ये सब कुछ दूसरे नंबर पर रखें राज्य को पहले स्थान पर रखेंगे तो बाकी सभी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती रह जाएंगी इस तरह से सेट होकर चलेंगी कि बाकी के लिए आपको अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा और यदि मैं यदि शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बहुत सोच समझ करके कि यदि आपके अंदर परमधाम की आत्मा होगी और आप राज्य को छोड़कर के माया को किसी तरह से पकड़ना चाहेंगे तो राज्य ही नहीं देंगे इस संसार में जितने भी प्रेमी होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के कि अपनी प्रेमास्पद को अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के साथ लगते हुए दूसरे के साथ बात करते हुए देख नहीं सकते तो राज जी ब्रह्म सृष्टियों को माया में लगते हुए कैसे देख सकते हैं हाँ राज्य को हमने पकड़ लिया तो बाकी सभी चीजें जी हजूरी करते करते पास में आ जाएंगे ये ऐसा ही है जैसे एक मैग्नेटिक थियरी है ना जैसे चुंबक के जो दो ध्रुव है एक जैसे चिपकते नहीं है ना आप चिपकाने जाओ तो वो पीछे पीछे सरकती रहती है और आप उसको मोड़ दो तो वो पीछे से आके आपसे चिपक जाएगी आप माया की तरफ से मुड़ जाइए राज्य की तरफ लग जाइए माया आपके पीछे पीछे चलेगी पर आप माया को पकड़ने लगेंगे तो आज तक आप एक परमहंस ऐसा बता दीजिए जिसने माया को पकड़ा हो और राज्य प्राप्त कर लिए हो पर मैं बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने राज्य को पकड़ा और माया साथ में अपने आप जुड़ती गई चाहे आप राजा राम झाझन भाई का प्रसंग देख लीजिए माया की उनके पास कमी थोड़ी थी पर माया को उन्होंने वश में कर रखा था सोचिए आज यदि पचास लोगों की जिम्मेदारी हमारे एक परिवार के ऊपर हो किसी एक पर एक महीने की जिम्मेदारी से कोई भी नहीं निभा सकता उस समय पांच हजार की जमात पहुंची थी और उन सब की सेवा कितने वर्षों तक की मेरता में श्रीजी पहुंचे थे चौतीस के आसपास सुंदर साथ पहुंचे थे और वहाँ से पन्ना जी पहुंचने के बाद भी तीन वर्ष तक मतलब सत्रह तक आठ या नौ साल तक इन्होंने पन्ना जी पहुँचने पर पाँच हजार की संख्या थी मेरता में हो सकता है थोड़ी कम हो फिर भी साढ़े तीन चार हजार का औसत आप मान के चलिए इतने सुंदर साथ की सेवा आठ नौ वर्ष तक करना उसमें सुंदर साथ के लिए ओढ़ने के पतले कंबल इत्यादि पहनने के वस्त्र इत्यादि जितनी भी सेवा उनसे होती थी उन्होंने की एक परिवार ने यहाँ तक कि जो राजा थे पहले से छत्रसाल जी उनको भी पांच हजार सुंदर साथ की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में राज्य की मेहर की आवश्यकता पड़ी श्री जी ने जब आशीर्वाद दिया तब जाकर के वो उन हीरो की मदद से कहीं ना कहीं वो सेवा कर पाए हाँ अब महाराजा छत्रसाल जी का नाम आया तो उनके साथ भी ऐसे ही घटना है कि उन्होंने राज्य के ऊपर सर्वस्व समर्पित कर दिया तो वो राजा से महाराजा कहलाए पहले उनके पास कितने की टुकड़ी थी बाईस असवरों हमारी फौज तीन हजार है ना बाईस लोगों की टुकड़ी कोई फौज होती है उससे ज्यादा लोग तो हमारे ज्ञानपीठ में है तो वो राजा भी नहीं थे खैर एक राजा का पुत्र होने के कारण उन्हें राजा कहा जा रहा था पर उस समय के लोग उनको राजा कहाँ मानते थे पर जब श्री जी की मेहर हुई जब राज्य को अपना सर्वस्व सौंपा राज्य को पहली प्राथमिकता दी उनको माया का शून्य भी नहीं चाहिए था एक पैसा भी नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने क्या कहा अपनो आपा सब दियो दियो सो अपनो राज पाग तक निकाल करके दे दिया तो वो जो एक छोटे से राजा के रूप में थे उनकी हैसियत ऐसी हो गई कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्र साल सोलन की रही न कहूँ होश इतना बड़ा उनका साम्राज्य हो गया बुंदेलखंड का इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम यदि राज्य को पहले नंबर पर पहली प्राथमिकता में रखेंगे तो आत्मिक उन्नति तो होगी साथ में आप जो कुछ भी चाहते हैं लौकिक रूप से या चाह रहे थे वह भी सारी इच्छाएं अपने आप अनायासी पूरी होती जाएंगी एक मैं किसी सुंदर साथ के घर में गया था वहां एक स्टिकर टाइप का चिपका रखा था उसमें बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी कि तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है जो मैं चाहता हूं इसलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूं तो होगा क्या जो तू चाहता है ये समर्पण है समर्पण की परिभाषा और समर्पण का ये परिणाम है अब हमने राज्य को जो दसवें बारहवें नंबर पर रख रखा है मिहिर राज जी ने पहले नंबर पर नंबर पर रखा फिर भी उनके लिए तेरह वर्ष तक लौकिक कहा गया लौकिक बोझ था माया में थे ऐसा एकनिष्ठ प्रेम कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी तो हम अपनी अपनी अवस्था को देखें कि हमारा प्रेम राज्य से एकनिष्ठ है या फिर कौन से स्थान पर आता है अब आगे की बीतक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन श्री महराज को दिल उपजो यह विचार हम आए हैं अरस्य भेजे परवर दिगार मिहर राज्य के मन में यह विचार आया कि हम परमधाम से आए हैं और जी ने हमें भेजा है जब हमें भी जी ने भेजा है हम भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं तो जिस तरह श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान देवचंद्र जी तो परम धाम की निशानियों को देख करके वर्णन करते हैं जैसा वह करते हैं वैसा हम क्यों नहीं कर सकते मैं और वो दोनों परमधाम के ही हैं तो उनसे ऐसा हो पा रहा है तो मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है क्या इस संसार में हमारा इतना भी नहीं चलेगा क्या राज्य के साथ हमारा संबंध इतना भी नहीं है कि हम भी देवचंद्र जी की तरह ही देख पाए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझमें ही कोई अवगुण है जिस कारण से यह अंतराय है जिस कारण से यह एक पर्दा है दूरी है इसलिए जब मैं अवगुण निकाल लूंगा अपने पूरी तरह से तो मैं भी देवचंद्र जी की तरह ही देख पाऊंगा और देख करके बता पाऊंगा इसलिए अपने अवगुण को ढूंढने लगे तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब नजरों जो ही आइया काढ़ दिए तब सब जो भी अवगुण नज़र में आने लगे सोचिए बारह वर्ष से लेकर के अगले तेरह वर्ष तक लगभग चौबीस वर्ष की अवस्था अब होने वाली है चौबीस वर्ष की अवस्था हो चुकी है इतने वर्षों तक निरंतर चर्चा सुनते सुनते माया की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवगुण उन्हें दिख रहा है इस संसार में यदि कोई चीज़ ऐसी है जो ढूंढने में बहुत समस्या होती है बहुत मुश्किल है तो वो है गलती अपनी दूसरे की तो दिख जाती है दूसरे की गलती के लिए इंसान जज बनता है और अपनी गलती के लिए इंसान वकील बनता है दूसरे की गलती हो तो तुरंत सुना देता है कि ये तुमसे गलती हुई स्वयं की गलती के लिए परिस्थिति का हवाला देता है कि मेरे मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसी ऐसे, ऐसे परिस्थिति थी और दूसरे की गलती के लिए वो जज बन जाता है तुरंत ही निर्णय सुना देता है तो अपनी गलती ढूंढना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है लेकिन मिहिर राज जी जो वास्तव में सुधार करना चाहते हैं उन्हें तो दिख ही जाती है तो अब मिहिर राज जी अपने अवगुण ढूंढ रहे हैं उन्हें जो भी लगता है कि ये अवगुण है जिस किसी अवगुण के विषय में सोचते हैं कि ये राज्य और मेरे बीच में बाधक है या बन सकता है तो तुरंत ही उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं उसे हटाना शुरू कर देते हैं अब ढूंढते ढूंढते उन्हें भी कई बार समझ में नहीं आती है कि ये क्या है ये सही है कि गलत है विचार करते रहते हैं तो एक दिन देवचंद्र जी से पूछ लिया कि मेरे अवगुण मुझको काढ़ सब इंद्रियन के मेरे इंद्रियों में जितने भी अवगुण हैं आप बता दीजिए आप उन्हें निकाल दीजिए तब श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि तब देते उत्तर तीन में न कोई अवगुण कि आप में कोई अवगुण है ही नहीं आप तो परम धाम की निर्मलातम हो देवचंद्र जी के ऐसा कहने के पीछे बहुत गहरा रहस्य है आत्मा तो हम स्वयं को भी मानते हैं पर क्या हम में अवगुण नहीं हो सकते अवगुण हमारे अंतस्करण में है अपनी शुद्ध अवस्था में तो जीव में भी अवगुण नहीं होते अवगुण कहां होते हैं जीव के चित्त में चित्त के जो संस्कार है वही अच्छे और बुरे होते हैं देवचंद्र जी प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कहते हुए परोक्ष रूप से इंद्रावती जी को उन विकारों से जो भी रहे होंगे उस समय थोड़े बहुत तो उन्हें निकालना चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या कि जैसे जो हमारा चित्त है वह स्फटिक मणि के समान होता है इसमें जैसे संस्कार पास में रखे जाएं, चित्त स्वयं को वैसे ही संस्कार वाला समझ बैठता है यदि अच्छे संस्कारों का चिंतन किया जाए तो चित्त में वही संस्कार घर कर जाते हैं बुरे संस्कारों का चिंतन किया जाए विकारों का चिंतन किया जाए तो चित्त में वही संस्कार घर कर जाते हैं और जीव भी वैसा ही है चित्त जैसा है जीव स्वयं को वैसा समझने लगता है चित्त के संस्कारों का जीव पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है इसलिए हमें कभी भी विकारों का बुराइयों का चिंतन नहीं करना चाहिए हमारे अंदर भी हैं दूसरे के अंदर भी होंगे पहली बात, दूसरे के अंदर के विकार को ढूंढने का प्रयास हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ, हम यदि हितैषी हैं किसी के सच्चे तो उसके लिए भी एक तरीका होता है पर पहले हम स्वयं की बात करें तो हमें यदि हमारे स्वयं के विकारों को हटाना है तो इसके लिए दो उपाय हैं एक उपाय प्रत्येक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि विकारों को ढूंढो और उन्हें निकालते जाओ पर यह सामान्य सोच है उत्कृष्ट सोच ऐसी है कि विकारों का चिंतन करना ही बंद कर दो ढूंढना भी बंद कर दो और अच्छे संस्कार इतने हावी कर लो कि पुराने संस्कार अपने आप ही छूट जाए और ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है कैसे कि यदि आप ये विचार करते रहेंगे विकार ढूंढने के चक्कर में कि मेरे अंदर क्रोध है मुझे क्रोध आता है क्रोध आता है क्रोध आता है चिंतन करते करते सच में चित्त के अंदर वही क्रोध का संस्कार मल्टीप्लाई होगा आपके अंदर यह विचार आया कि मुझ में अहंकार है अहंकार है अहंकार है मुझे अहंकार हटाना है ऐसे नहीं हटेगा ऐसे हटा पाना लगभग लगभग असंभव सा है पर इसके स्थान पर आपने वाणी की एक चौपाई को अनुसरण किया कि महामत कहे पीछा न देखिए नहीं किसी की परवाह एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा कि कुछ भी हो एक परम धाम का चिंतन करना है एक परम धाम के प्रेम का चिंतन करना है जैसे जैसे और हमारे हमें तो राज्य ने बहुत ही सरल उपाय दिया है कि जैसे जैसे हम परम धाम के प्रेम का चिंतन करते जाएंगे वाणी क्या कहती है ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर हम परम धाम के जितना नजदीक जाते हैं हमारे हृदय में जितना प्रेम आता है और वो प्रेम पहचान से होती है तो जितना प्रेम आता है संसार के विकार समाप्त होते जाते हैं इसके लिए राज्य ने अलग अलग स्टेप भी बताए वाणी में विशेष रूप से तीन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को कि हमारे जीवन में तीन चीज़ें हमेशा ऐसे गांठ बांध लें उसको कि जैसे यही हमारी परंपरा है यही हमारा जीवन है एक है वाणी मंथन दूसरा है सेवा और तीसरी है चितवनी वाणी मंथन सेवा और चितवनी में हम अपने आप को जितना लगाएंगे विकारों का चिंतन करने की ज़रूरत नहीं कि ये विकार भी छोड़ना है वो विकार भी छोड़ना है क्या छोड़ना है इसको सोचने की अपेक्षा क्या पकड़ना है उस पर फोकस करेंगे तो अपने आप ही विकार समाप्त होते जाएंगे विकार अंधकार के समान है और संस्कार प्रकाश के समान प्रकाश का स्रोत आपने देखा है कोई प्रकाश का कोई स्रोत होता है बल्ब है सूर्य है दिए हैं, अग्नि है ये प्रकाश के स्रोत हैं पर अंधकार का स्रोत बताइए अंधकार का कोई स्रोत ही नहीं तो आप अंधकार को कैसे हटाएंगे फिजिक्स के कुछ पढ़े हुए यहाँ विद्यार्थी होंगे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज डार्कनेस अंधकार क्या है आप क्या कहेंगे प्रकाश की अनुपस्थिति ही तो अंधकार है ना तो जो संस्कार हैं उनकी अनुपस्थिति ही विकार है हम संस्कारों को पकड़ ले विकार अपने आप हट जाएंगे कमरे में मान लीजिए कि अंधकार है इस अंधकार को आप धक्का लगा करके भी नहीं निकाल सकते झाड़ू लगा के पोचा लगा करके वैक्यूम क्लीनर से किसी तरह नहीं निकाल सकते आपने बल्ब जलाया अंधकार खत्म इसी तरह से जैसे ही हमारे हृदय में राज्य के प्रति अनन्य प्रेम आएगा पुराने संस्कार तो समाप्त हो ही जाएंगे अपने आप देखिए अब मैंने तीन बात कही थी वाणी मंथन सेवा और चित्वनी इससे क्या होगा वाणी मंथन करने से हमें अपने आप हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अवगुण कौन कौन से हो सकते हैं माया कहां कहाँ हो सकती है वाणी में सब कुछ खोज करके सामने क्रिस्टल क्लियर बता दिया है तो हमें वाणी मंथन से ज्ञान पता चलता है सेवा करने से लाभ तो बहुत सारे हैं पर मुख्य मुख्य लाभ में बताऊं तो सबसे पहला विकारों के संदर्भ में कि हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि विकारों के लिए समय ही नहीं मिल पाता कि नए विकारों के संस्कार बने एक बार व्यस्तता क्यों जरूरी है कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं आपके मन में कभी मनोविकार की भावना नहीं आई तो कहते हैं आता होगा दरवाजे तक आता है पर मुझे व्यस्त देख करके चला जाता है क्योंकि मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ अटेंशन नहीं देता हूँ हमारे अंदर भी किसी प्रकार के विकार तब आते हैं जब हमारा मन खाली होता है ब्लैंक माइंड इज डेविल्स हाउस बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर सेवा में हम अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे मन, दिमाग खाली होने का समय ही नहीं मिलेगा तो नए कोई संस्कार बनेंगे ही नहीं और चितवनी में जो हमारी साधना होगी लेकिन विवेकपूर्वक चित्वनी ऐसे ही केवल आंख बंद करके बैठना नहीं सही मार्गदर्शन में जो चितवनी होगी तो जो पुराने संस्कार हैं वह भी दग्ध होते चले जाएंगे वाणी से समझ आती है सेवा से सेवा में व्यस्त रहने से नए बुरे संस्कार नहीं बनते हैं और ध्यान साधना में बैठने से पुराने संस्कार भी समाप्त होते हैं राज्य ने बिल्कुल सरल करके वाणी में बता दिया है लेकिन अभी मिहिर राज जी को इस तरह से थोड़ी परेशानियों का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वाणी तब तक अवतरित नहीं हुई थी लेकिन सदगुरु महाराज ने परोक्ष रूप से ये बता दिया कि तू परमधाम की निर्मल आत्मा है तू परमधाम की इंद्रावती आत्मा है तुझमें कोई विकार नहीं है बात सच है पर मिहिर राज जी कहीं ना कहीं जीव भाव से अपनी कमी को अपने विकार को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कहते हैं कि सुनत श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब देवचंद्र जी के मुखारविंद से जो चर्चा होती है तो मिहिर जी में एक तो प्रतिभा है ही और साथ में इंद्रावती जी की आत्मा है भाव भी है पहचान भी है तो देवचंद्र जी के द्वारा हुई चर्चा को सुंदर साथ के आगे दोहराते हैं कि आज सदगुरु सद्धुर, सदगुरु महाराज ने ऐसा कहा वैसा कहा इस तरह की बातें समझाते हैं वर्णन करते करते जो बात उन्हें लगती है कि ये बात हमें ग्रहण करनी चाहिए उसको लेते हैं उस पर चिंतन करते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं कि मुझे इस पर चलना है और सुंदर साथ को भी इसी तरह से दिखाते हैं कि हम सब सुंदर साथ को ये पकड़ना चाहिए और ये छोड़ना चाहिए और इस तरह से विकारों को निकालने के सिलसिले में अब स्वयं के ऊपर बड़ा जुलम करते हैं कष्ट देते हैं अपने शरीर को क्या किया उन्होंने कि जो शरीर है वही विकारों का भांडा है विकारों का भंडार है भांडा मतलब बर्तन तो उन्होंने सोचा कि इंद्रियों में विकार तब तक आ सकता है जब तक इनमें शक्ति हो यदि इंद्रिया ही शिथिल हो जाए इंद्रिया ही कमजोर हो जाए तो विकार सब समाप्त हो जाएंगे लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत है वास्तविकता ये है कि इंद्रिया भले ही कमजोर हो जाए खैर मिहिर जी के साथ वो परिस्थिति नहीं है मैं एक सामान्य जीव की परिस्थिति बता रहा हूं कि इंद्रियाँ भले ही कमजोर हो जाए पर तृष्णा समाप्त नहीं होती क्या कहते हैं भी मुखम आक्रांतम पलितई अंकितम सिर गात्राणी शिथिलयते तृष्णई का तरुण आयते कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है सिर के केश बाल सफेद हो जाते हैं शरीर की इंद्रियां गात्र कहते हैं शरीर को शिथिल पड़ जाते हैं पर तृष्णा हमेशा जवान रहती है तरुणी रहती है इसलिए विशेष रूप से जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके अंदर विशेष रूप से कोई ना कोई तृष्णा ज्यादा होती है बच्चों की तो खाने पीने की उम्र होती ही है कोई व्यक्तिगत रूप से मत लेना बुरा मत मानना पर बच्चों में खाने पीने को लेकर के तृष्णा हो वो स्वाभाविक है क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र है पर मैंने देखा है कि समाज में केवल ज्ञानपीठ में नहीं या केवल बाहर नहीं हर जगह पर मैंने देखा है कि खाने के नाम पर भोजन के नाम पर सबसे अधिक विवाद बुज़ुर्गों में ही होता है कि मुझे ये नहीं दिया गया मुझे वो नहीं दिया गया मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला बच्चे फिर भी चुपचाप सहन कर जाते हैं आराम से जा के कि अच्छा ये नहीं मिला दूध नहीं मिला ठीक है कोई बात नहीं कल पी लेंगे लेकिन बुजुर्गों को लगता है कि जाते जाते कोटा पूरा कर जाए तो तृष्णा जो है इंद्रियां भले ही कमजोर हो जाए इंद्रियों का तृष्णा के साथ में कोई लेना देना नहीं है तृष्णा मन का विषय है तृष्णा चित्त के संस्कारों का विषय है हाँ जैसा कि मैंने कहा चित्त संस्कारों का विषय है यदि चित्त में हमारे आध्यात्मिक संस्कार होंगे फिर फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बालक है कि युवा है कि वृद्ध है जिनके चित्त में अच्छे संस्कार होंगे वो बुजुर्ग होने पर भी तृष्णा नहीं होगी संयम नियम का पालन होगा युवा अवस्था में उपलब्ध होने पर भी संयम नियम का वह पालन करेगा अन्यथा आपने देखा होगा कि विशेष रूप से जिनको डॉक्टर मना करता है ना डायबिटीज़ की वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किन ही कारणों से कि आपको मीठा नहीं खाना है आपको तला हुआ नहीं खाना है आपको घी नहीं खाना है आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है डॉक्टर के सामने भी हाँ जी जी बोलेंगे दुनिया के सामने भी दिखाएंगे कि मैं इस तरह का डाइट फॉलो कर रहा हूँ पर वास्तविकता उसे खुद को पता है कि डाइट कितना फॉलो होता है घर पे फ्रिज पे जो मिठाई रखी जाती है यदि फ्रिज में रखी मिठाई गायब हो रही है तो बच्चे इसमें तीस प्रतिशत कारण होंगे पर ये जो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के मरीज होते हैं ना वो चिप-चिप करके कहीं ना कहीं वो मिठाई सत्तर प्रतिशत गायब कर जाते हैं ये तृष्णा है इसलिए अब मिहिर राज जी को क्योंकि उस समय देवचंद्र जी ने तो परोक्ष रूप से बता दिया पर इतना खुल करके ये सब तो फिल्टर हो हो करके हम तक पहुंचा है ना तो ये बताने वाला उस समय कोई नहीं था उनको लगा कि मैं इंद्रियों को कमजोर कर दूं तो तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी खैर उनके अंदर तो थी भी नहीं उन्होंने अपनी इंद्रियों को कम कमजोर करने के लिए क्या किया उतरता आहार घटाइया रह पैसे भर दोए अपने आहार को धीरे धीरे करके कम कर दिया और कितना रहा दो पैसे के बराबर अब इसमें कुछ सुंदर सात या अधिकतर मैंने सुना है कि दो पैसे के वजन के बराबर वो अनाज ग्रहण करते थे पर ये मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता है जिसको सही लगे जिसको जो अर्थ सही लगे वो अर्थ अपना लें मुझे ऐसा लगता है कि दो पैसे में जितना अनाज आता होगा जितना भोजन मिलता होगा उतना भोजन वो करते होंगे क्योंकि शरीर के हिसाब से भी देखें तो आप जब गुम्ब जी बंगला जी जाते हैं पन्ना जी जाते हैं उस समय के बागा वस्त्रों को देख करके आप उनके विशालकाय शरीर की कल्पना कर सकते हैं दो पैसे का वजन तो एक कौर भी नहीं होगा तो इतना खा करके तो जीवित रहना चल फिर पाना संभव नहीं हो पाता है मुझे ऐसा लगता है ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि दो पैसे में जितने भोजन आप जितना भोजन खरीद पाते होंगे उतना शायद भोजन करते होंगे पर कुल मिला के बात जो विशेष जो निर्विवाद सत्य है वह यह है कि उन्होंने अपना भोजन कम कर दिया घटाया और इसके कारण क्या हुआ बल घटा इंद्रियन को सुख चला आकार सोए इंद्रियों का बल घटा और शरीर सुख चला ऐसी ही घटना एक बुद्ध जी के साथ भी हुई थी गौतम बुद्ध के साथ कि उन्होंने भोजन पूरी तरह से बंद कर दिया था अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डालना है तो एक दिन वो बेहोश हो गए कमजोरी के कारण तो किसी माता ने एक प्रसंग आता है उनके जीवन में कि किसी माता ने उनको थोड़ी सी खीर ला कर के खिलाई डाल दी तो तब जा कर के उनके शरीर में थोड़ी चेतना आई थोड़ी जागृति आई फिर उन्होंने देखा कि कुछ माताएँ एक गीत गाते हुए चल रही हैं और इस गीत का आशय कुछ ऐसा था कि वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे सुर ही ना निकले और इतना ज़्यादा भी मत कस दो कि वह टूट जाए अर्थात इंद्रियों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए विषयों की तरफ इतना ज्यादा भी नहीं जाने देना चाहिए कि पूरी तरह से भटकाव हो जाए लेकिन इतना ज्यादा कठोर भी नहीं बनना चाहिए कि जो करना चाहें वो भी न कर पाए शरीर ही कमजोर पड़ जाए तो ध्यान में कैसे बैठेंगे तो इसीलिए बीज का रास्ता निकालना चाहिए जिसके लिए क्या कहा है समत्वम योगम समता को ही योग कहते हैं न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो सामान्य रूप में जीवन भी चलता रहे शरीर भी स्वस्थ हो क्योंकि ध्यान के मार्ग में आने वाली नौ बाधाओं में सबसे पहली बाधा है शारीरिक रोग व्याधि लेकिन आगे जो दूसरी बाधाएं हैं वो आलस्य प्रमाद आदि भी है भोजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो व्याधि होगी और बहुत ज्यादा करेंगे तो आलस्य और प्रमाद होगी तो इसीलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए राज राज्य की कसनी चल रही है भोजन उन्होंने पूरी तरह से घटा दिया है इंद्रियां कमजोर हैं चर्चा सुनने जाते हैं तो अवस्था कैसी है नैनो नीर झरत है जबलो चर्चा धाम रंग जर्दी का आइया और न सुझे काम चर्चा सुनते हुए उनके आंखों से अश्रु धारा भी बहती है जब तक चर्चा सुनते हैं शरीर इतना सुख गया है कि रंग जर्दी का आइया शरीर पीला पड़ चुका है क्योंकि अब रक्त कैसे बनेगा भोजन में रक्त बनने की प्रक्रिया क्या है रस के बाद रक्त बनता है अब रस के लिए अन्न ही नहीं जा रहा है भोजन ही नहीं जा रहा है तो शरीर पीला पड़ चुका है और कोई कार्य हो ही नहीं रहा है परमधाम के अतिरिक्त राज्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा है अब भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझमें अवगुण है जो कुछ अवगुण है मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ उनके मन में लगा क्योंकि उस समय तक उनका विवाह हो चुका था फूलबाई जी के साथ में तो उनके कुछ आभूषण इत्यादि थे जो स्वर्ण के थे गोल्ड के सोने के बने हुए अब उन्होंने किसी दिन चर्चा में सुना था भागवत का प्रसंग कि उसमें ये बताया गया है कि कलयुग ने अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगे थे जिनमें से एक स्थान था स्वर्ण कि कलयुग का वास सोने में होगा ऐसा बताया गया था तो उन्होंने सोचा कि कहीं यह तो माया का रूप नहीं है इसलिए उनके अधिकार में जितने भी आभूषण आते थे वे सभी आभूषण उन्होंने सदगुरु महाराज के सामने ले जाकर रख दी कहते हैं तीन को भी काढ़ के अरज करे आगे हादी तब अवगुण काढ़ के ए दिल आवे साहेदी जितने वस्त्र आभूषण इत्यादि थे स्वर्ण के वो भी सदगुरु के आगे रख दिए और सोचते हैं कि इसके अलावा और कोई अवगुण हो सदगुरु को कहते हैं कि मुझे आप बता दीजिए कोई भी अवगुण हो अब इसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया कि बाजार में जब चलते थे बाजार में चलने का मतलब बाजार से होते हुए गुजरना पड़ता था तो वहाँ कोई मित्र आदि मिल जाए तब भी उनको लगता था कि इनसे मैं बात करने लगूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा माया की बातें करेंगे तो नए संस्कार अंदर घुसेंगे कोई ना कोई प्रसंग नया सुनने को मिलेगा तो इससे अच्छा यह है कि मैं इनसे बात ही ना करूं तो उनसे मुंह फेर करके चले जाते हैं इस तरह इन भात अंग को देत कसौटी जोर बहुत अधिक कसनी कर रहे हैं तप कर रहे हैं और ऐसा करते करते कहते हैं तब श्री धाम मुँह आगे फिर वल्या गिरद अपना आपा देखिया किया आकार को रद। कि उनकी ऐसी अवस्था पहुंच गई उस विरह में तड़प तड़प करके विकारों को समाप्त करने के राह में चलते चलते कि उन्हें परम धाम का दर्शन भी हो गया शरीर कि उन्हें शुद्ध ही नहीं है अब उनका उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शरीर अब मेरा है ही नहीं वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से मुझे परमधाम दिख जाए और जैसे सदगुरु महाराज वर्णन करते हैं वैसा मैं भी करने लग जाऊं अब जब ऐसा चल रहा था बालबाई जी ने सदगुरु महाराज के आगे जाके विनती करी कि आपको मिहिर राज जी के शरीर की कोई चिंता है कि नहीं कितना सुख गए हैं वो एक भाई तो पहले ही जा चुका है क्योंकि गोवर्धन जी का धामगमन हो चुका था तो उन्होंने कहा एक भाई तो पहले ही जा चुका है और दूसरे भी जाने की तैयारी में चल रहे हैं एक भाई पहले चलिया अब यह हुआ तैयार तुम क्यों ना कहत हो डर नहीं लगत लगा कि आपको जरा सा भी डर नहीं है कि इसका भी तन छूट जाएगा तब श्री देवचंद्र जी ने राज जी से पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है क्योंकि एक बार पहले भी बता चुके थे वो कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है पर मिहिर जी में कहीं ना कहीं एक होड़ है कि मुझे भी श्री देवचंद्र जी की तरह ही परमधाम देखकर देख कर वर्णन करना है तो कहते हैं मेरे अवगुण मुझको दिखाए देव तुम तब कहिया मुझको क्या पहचानत आतम श्री देवचंद्र जी ने कहा कि तुम अवगुण ही ढूंढना चाहते हो पहले यह बताओ कि तुमने मेरी क्या पहचान की यदि मेरे स्वरूप की सच्ची पहचान की होती तब भी तुम क्या करते यहां से छोड़कर के घर भी नहीं जाते मेरे पास ही रहते यहीं पर परिक्रमा करते रहते लौकिक भाव से नहीं एक आत्मीय भाव से कि मेरे इर्द गिर्द ही रहते अब बालबाई जी ने भी कहा कि तब बालबाई ने कहया क्या पहचान धनी धाम जो ये बात लौकिक है तीन से होवे पूरन मनोरथ का ये कोई बाह्य चीज नहीं है कि बंटवारा कर दिया जाए कि उनको दर्शन हो रहा है तुम्हें भी दिया जाए उनके द्वारा वर्णन हो रहा है तुम्हारे द्वारा भी किया जाए जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नयन प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख न निकसे बैन तुम्हारे मुख से और कोई शब्द ही नहीं निकलते यदि तुम्हें इनके स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाती मैंने पहले ही कहा कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार के अवगुण नहीं है पर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है देवचंद्र जी कहते हैं कि तुम सच सच बताओ कि चाहते क्या हो तो कहते हैं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं सो क्यों न होए मुझसे आप जिस तरह से देखते हैं देखकर वर्णन करते हैं वैसा मुझसे क्यों नहीं हो पाता है श्री देवचंद्र जी ने कहा कि ये तो राज्य के मूल स्वरूप के हुक्म की शक्ति है और चौथे तथा पांचवें दिन में यह एक ही स्थान पर हो सकता है यह वस्तु हुकम की सो होवे एक ही ठोर मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है एक ही उपाय है कि मुझे उठाओ तुम बैठ जाओ अर्थात मेरा तन जब छूट जाएगा तो मुझमें जो शक्ति है राज्य का जो आवेश है वह तुम्हारे अंदर आएगा और तभी तुम इस तरह वर्णन कर सकते हो अब जैसे यह सुना मिहिर राज जी चौंक गए कि ये मैं क्या कर रहा था ये मैं क्या करना चाह रहा था उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया कि ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था और यही प्रसंग उन्होंने वाणी में इस तरह से अपना भाव व्यक्त किया कि दो प्रकरण है विशेष रूप से एक कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान सो शोरूम में याद कर जो मारे हैत के बान धाम धनी मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई और दूसरा पतित शिरोमन कहे जो मैं किए वज्रलेप मेरे साहेब द्वेष मैंने तो अपने ही प्रियतम से क्योंकि हफसे के जेल में जब दर्शन हुआ तो उनको ये दिखाई पड़ा कि कभी वहां पर उनको युगल स्वरूप दिखाई पड़ते हैं कभी राज दिखाई पड़ते हैं कभी देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें पूर्ण पहचान हुई कि देवचंद्र जी के अंदर ही युगल स्वरूप विराजमान थे और मैंने उनसे ही प्रतिद्वंद द्वंदिता कर ली कि जैसा उनके साथ होता है वैसा मेरे साथ क्यों नहीं होता तो इस तरह का भाव उन्होंने व्यक्त किया वाणी के माध्यम से अब बालबाई जी ने सोचा कि चलो अभी तो शायद ये संभल जाए पर फिर भी कहीं ना कहीं इनको कुछ समय के लिए माया में उलझाए रखना आवश्यक है इसीलिए कहते हैं इन्हें काम दीजिए माया का तब पीछे हटे चित्त हम में और उनमें कितना फर्क है कि हम माया में इतना घुसे हुए हैं कि राज्य में लगाने के लिए हमारे सदगुरु को प्रयास करना पड़ता है कि करो 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 और मिहिर राज्य को कहीं ना कहीं उस तन को जीवित रखना है तो माया के कार्य में व्यस्त रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो ये धरती और आकाश का फर्क है कह रहे हैं कया में हुक्म करत हूं जाओ श्री मेहराज तित तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले एक बहाना लेकर के उन्होंने कोई साहित्य लाने के लिए माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता आदि साहित्य लाने के लिए गुजरात भेजा अब सुंदर साथ के मन में ये आ सकता है कि नौतनपुरी में थे नौतनपुरी तो गुजरात ही है फिर कौन से गुजरात में भेजा तो उस समय अहमदाबाद को ही गुजरात कहा जाता था आज से लगभग सत्तर अस्सी वर्ष पहले तक विजय से आप नेपाल जाएंगे तो अगर कोई पूछता था कि कहाँ जा रहे हैं आप कहें नेपाल तो वो सब लोग समझते थे कि ये काठमांडू की बात कर रहे हैं पूरे आज का जो वर्तमान नेपाल है उसको नेपाल नहीं कहा जाता था इसी तरह से गुजरात कहने से केवल अहमदाबाद ही समझते थे बाकी अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उस समय नौतनपुरी का राज्य ही अलग है गुजरात राज्य उस समय अहमदाबाद का अलग था तो मिहिर राज्य को ग्रंथ लाने के बहाने से अहमदाबाद भेजा ताकि कुछ समय तक जब तक ये जाने आने का समय हो इतने में अपने शरीर का थोड़ा तो ख्याल रखेंगे थोड़ी उस जिद से वो पीछे हटेंगे तो इसलिए मिहर जी गुजरात जाते हैं अहमदाबाद जाते हैं और कुछ दिनों के पश्चात जो साहित्य लाने के बहाने से भेजा था उसे लेकर के आते हैं अब आगे जब वापस आए तो श्री देवचंद्र जी ने सोचा कि अभी तो वो समय नहीं है क्योंकि मूल स्वरूप विराजमान है अंतः प्रेरणा कर ही देते हैं उन्होंने सोचा कि अभी वह समय भी नहीं है कि उस तन से जागने का कार्य शुरू हो लेकिन अभी यदि ये यहाँ पर रहे तो कहीं ना कहीं फिर से किसी न किसी रूप में स्वयं को कसनी देना कसौटी करना शुरू कर देंगे और दूसरा एक लौकिक कारण ये बना कि गांगजी भाई जो इतने वर्षों से सेवा से कर रहे थे तन मन धन से उत्सव रसोई की सेवा कर रहे थे उनके एक भाई अरब में रहते थे चौपाई में बीतक में अरब लिखा है जहाँ तक मैं समझता हूँ वर्तमान इराक का यहाँ वर्णन हो रहा है तो वहाँ खेता भाई व्यापार कर रहे थे पिछले 25 वर्षों से और इधर भारत के साथ उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा था गांगजी भाई जी ने सदगुरु महाराज से निवेदन किया कि यदि कोई वहाँ जाकर के खेता भाई की आत्म जागृति करें तो उन्होंने जो धन कमाया है उस धन को हम सुंदर साथ की सेवा में लगा सकते हैं तो इस सेवा को ध्यान में रखते हुए मिहिर राज जी को श्री देवचंद्र जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अरब भेजा अब किस तरह से अरब पहुंचते हैं खेता भाई को जगाने का प्रयास करते हैं पर पूर्ण रूप से माया में डूबे होने के कारण उनकी जागृति नहीं हो पाती है और उल्टा कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और किस तरह से उनके मृत्यु के बाद उनके 25 वर्षों की मेहनत की संपत्ति को वहाँ का एक अधिकारी शेख साले कब्जा कर लेता है कैसे उस धन को वापस पाने के लिए मिहिर राज जी दो महीने तक इधर उधर भटक करके फिर वहाँ के बादशाह का पल्ला झटक करके कुर्ता ही कुर्ते का जो धागा होता है कस उस उसे तोड़ देते हैं और किस तरह से उस तक अपनी बात रखते हैं और वापस आने तक वापस आने के बाद कैसे सदगुरु महाराज उनका प्रणाम स्वीकार न नहीं करते हैं जिसके कारण उन्हें फिर से आगे लगभग चार वर्ष तक वियोग सहन करना पड़ता है ये सारी अभी तक हम सुनेंगे कल अब समय पूरा होता है चौपाई दो राय श्री महामत कहे ए मोमिनो सुनियो यह बीतक आगे फेर कहत तो जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज